सब्सक्राइब कीजिए देशी भक्ति चैनल को और घंटी जरूर दबाइए। देशी भक्ति चैनल में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर क्यों ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है, आखिर क्यों संसार में ब्रह्मा जी के बहुत ज़्यादा मंदिर नहीं हैं, ऐसा कौन सा श्राप दिया था ब्रह्मा जी की पत्नी ने जिसकी वजह से पूरी सृष्टि में ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। मेरी आपसे विनम्र अपील है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। हिंदू धर्म के पुराणों में माना जाता है कि सृष्टि का निर्माण भगवान ब्रह्मा जी ने किया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी पूजा कहीं नहीं की जाती है। पुराणों के अनुसार दुनिया भर में ब्रह्मा जी के केवल दो ही मंदिर हैं और इन मंदिरों में भी ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती है, ना ही भारत में इनसे संबंधित कोई भी उत्सव और व्रत नहीं है। हिंदू पुराणों में कई बार कई पुरानी कथाएं मिलती हैं जिनके अनुसार माना जाता है कि ब्रह्मा जी को उनकी पत्नी के शाप के कारण नहीं पूजा जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उनकी पूजा नहीं की जाती है। सृष्टि के आरंभ में ही आदि शक्ति ने अपने स्वरूप से सरस्वती को उत्पन्न करके ब्रह्मा जी को अपनी पत्नी स्वरूप भेंट किया ताकि ब्रह्मा जी सृष्टि निर्माण का काम पूरा कर सके। सृष्टि निर्माण का काम पूरा होने के बाद एक दिन पवित्र उद्देश्य को पूरा करने के लिए ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से निकलकर पृथ्वी पर पधारे। पृथ्वी पर आकर उन्होंने सबसे उत्तम मुहूर्त में यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन समस्या यह थी कि बिना पत्नी के यज्ञ पूरा नहीं हो सकता था। प्रमोद शुभ मुहूर्त नहीं देना चाहते थे, इसलिए संसार के कल्याण हेतु एक ऐसी कन्या से विवाह कर लिया जो बुद्धिमान होने के साथ शास्त्रों का भी ज्ञान रखती थी। इस कन्या का नाम शास्त्रों में पुराणों में गायत्री बताया गया। गायत्री से विवाह करने के बाद ब्रह्मा जी ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। देवी सरस्वती ब्रह्मा जी को तराशते हुए तीर्थ नगरी पुष्कर में पहुंची, जहां ब्रह्मा जी गायत्री के साथ यज्ञ कर रहे थे। ब्रह्मा जी के साथ दूसरी स्त्री को देखकर सरस्वती क्रोधित हो उठी और ब्रह्मा जी को शाप दे दिया कि पृथ्वी के लोग ब्रह्मा को भुला देंगे और कभी इनकी पूजा नहीं होगी। किंतु अन्य देवताओं की प्रार्थना पर सरस्वती का क्रोध कम हुआ और उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी का केवल पुष्कर में ही पूजन किया जाएगा, इसलिए पृथ्वी पर केवल पुष्कर में ही ब्रह्मा जी का प्राचीन मंदिर है। इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको समझ में आया होगा कि आखिर क्यों ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।